यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि गूगल बाबा की जय। वन डे पहले गूगल ने फिर से इस सभी को बैन कर दिया था, बट अनदर डे ये फिर से पास हो गया। इसके नई फाइलें आ गई और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कुछ करना है। अब तक मैंने आपको तीन वीडियो दिए थे और तीनों स्टेप यूज करने के बाद, तीनों वीडियो यूज करने के बाद ये तीनों हमारे पास हो रहे थे, बट आज के टाइम पे फिर से गूगल ने अपना कांड कर दिया है और हमने फिर यहाँ पे अपना कांड कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे फिक्स करना है ताकि आप सारी चीज़ें यूज कर पाओ और अपने प्ले स्टोर वगैरह को भी सर्टिफाइड कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने इसे पास कर रखा है और यहाँ पे भी पास कर रखा है। आप कोई सा भी रोम यूज कर रहे हो, कोई सा भी डिवाइस यूज कर रहे हो, नो मैटर, जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा वो सेम प्रोसेस आप अपने मैजिक KSU या KSU नेक्स्ट के ऊपर भी फॉलो करके ये सारी चीज़ें पास कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक AOSP रोम यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक MIUI का मोड रोम, और दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेगी या फिर कोई डिफरेंट रोम भी रहेगा उन पे भी काम करेगा, टेंशन मत लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आता है, वर्किंग रहता है तो लाइक कर देना। और यहाँ पे मैं दो तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करते हुए आप है जो तीनों को पास कर सकते हो इजीली। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट और भी रहेगा कि जब आप इसे पास कर लेते हो तो बार बार रीचेक मत करना लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जितना आप रीचेक करोगे उतनी जल्दी ये गूगल सर्वर पे जो जाएगा, गूगल के में आएगा और फिर गूगल अपना जय कर देगा और आपके साथ फिर कांड हो जाएगा, इसलिए बार बार मत करना। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डिवाइस का जो बूट और लॉक स्कूप है वो यहाँ पे ऐड नहीं है। अगर मैं सेफ्टी नेट को चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा तीनों का तीनों है जो फेल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे वेब UI मैंने इंस्टॉल कर लिया अलग से, इसका APK मैं आपको दे दूंगा। अगर आप मैजिक यूज करने वाले हो तो इसे इंस्टॉल कर लेना, अगर आप KSU या KSU नेक्स्ट यूज कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे ऑटो इंस्टॉल हो जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कस्टम रोम यूज करते ना तो उसमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपका स्कूप से रिलेटेड रहता है, तो उसे आप ऑफ कर लेना, क्योंकि जब तक ये ऑन रहेगा आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लो आपका पास नहीं होगा, क्योंकि इसे गूगल ने ब्लॉक कर दिया है तो अब ये काम नहीं करता। अगर ये वर्किंग रहता तो यहीं से आपका डायरेक्टली पास हो जाता, आपको एक्स्ट्रा मेथड फॉलो ही नहीं करना पड़ता। तो इसे ऑफ कर लेना जो कि कस्टम रोम में देखने को मिलता है, जबकि MIUI मोड वगैरह में ये चीज नहीं रहती तो वहां पे ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। अब सिंपल आपको अपने फोन को रूट कर लेना है, अगर आपका KSU इंस्टॉल्ड है तो अच्छी बात है उस पर फॉलो करना, नहीं तो मैजिक से आप रूट कर लेना। अब रही बात रूट कैसे करना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि अगर वो प्रोसेस भी यहाँ पे ऐड करूँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इजी वे में रूट हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होने के बाद सिंपल मॉड्यूल पे आना है, यहाँ पे इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे आना है, सेम आपको KSU में भी उसी तरीके से मॉड्यूल पे जाना है। अब ये जो जायजे से इसे ऑन कर लेना है आपको इस तरीके से इंस्टॉल करके। सम टाइम आप अगर मैजिक में इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है, अगर इंस्टॉल नहीं होता मॉड्यूल तो सिंपल बैक पे आना है और यहाँ पे आके इस जायजेस को ऑन कर लेना है मैजिक्स में, कब, जब आपका पैच इंस्टॉल में फेल शो करता है तब, अदरवाइज आपको KSU में कोई दिक्कत इस तरीके से नहीं आती। लेकिन आपका डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है तो इसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपल फिर से इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे जाएंगे, आपका जो ये ट्रिकी स्टोर है इसे आप जो इंस्टॉल कर लेना कुछ इस तरीके से, ये इंस्टॉल हो गया, उसका बैक आना, फिर से यहाँ पे आ जाना, आपको ये पैच देखने को मिलेगा जो कि दोनों सेम है, बस दो फाइल बन गया है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल हैं मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अब फाइनल सब कुछ हो जाने के बाद स्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट हो जाने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा बूट और लॉक का जो स्कूप है वो फाइनली यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि सम एप्लीकेशन है जो रूट और बूट लोडर अनलॉक डिटेक्ट करने के बाद काम नहीं करते, तो यहाँ से उसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे सिंपल हम आएंगे, चेक करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कभी स्टिल ये चीज़ें हमारी है जो काम कर रही है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किए हुए। लेकिन अगर आपका काम नहीं करता तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको यहाँ पे KSU वेब पे आ जाना है, इसके ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक हमारा ऑन है, आपको दूसरे को भी ऑन कर लेना है, और ये जो PIF जेंसन है इस पर आपको क्लिक करके अपडेट कर लेना है, कब, जब आपका तीनों पास शो नहीं करता तब। तो यहाँ पे जैसे ये करोगे यहाँ पे अपडेट होगा, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक ट्रू है बाकी फॉल्स है, उसके बाद वापस इस पे आना है, आपको चेक करना है, आपको यहाँ पे दो पास देखने को मिलेगा या फिर तीनों पास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा तीनों पास हो रहा है, बट बाय चांस आपका सिर्फ दो पास होता है, तीसरा पास नहीं होता, फेल रहता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट के अंदर, जैसे कि ये रहा, ये अगर आपका शो होता है तीसरा पास नहीं होता तो भी आपका काम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप थर्ड वाले को भी पास करना चाहते हो तो आपको एक स्टेप आगे और बढ़ना पड़ेगा। उस स्टेप के लिए क्या करना है, सिंपल आपको इसके ऊपर आना है, इसे जो आपने यहाँ पे काम किया है इसके बाद इसे छोड़ देना है, वापस से आपको इसके ऊपर आना है जो कि ट्रिकी स्टोर है। यहाँ पे जैसे आप ओपन करोगे ये लुक देखने को मिलेगा, ट्रिपल लाइन पे आ जाना है, सिलेक्ट ऑल पे आना है, उसके बाद यहाँ पे
डिसलेक्ट अननेसेसरी पे क्लिक कर देना है, उसका सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन आएगा कॉन्फ़िगरेशन, रेड नहीं आना चाहिए। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेट वैलिड की बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो जाएगा, सेव पे क्लिक करेंगे, वापस से ट्रिपल लाइन पे आएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट सिक्योरिटी पैच, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से लुक दिखाई देगा, अगर ये लुक नहीं आता तो ऑटो पे क्लिक करके दोबारा आ जाना, आपको ये लुक दिखाई देगा। गेट सिक्योरिटी पैच पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका है जो होना चाहिए इंटरनेट वगैरह, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल आ चुका है। यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे, बस आपका काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कंडीशन बता दिए कि इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा। अब मैं दोबारा चेक करूँगा तो आप नोटिस करोगे कि अब यहाँ पे हमारा तीनों पास है। मेरा तो स्टार्टिंग में ही वन टाइम ही पास हो गया था, जबकि आपका पास नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा स्टेप आपको बताए जिसे आपको फॉलो करना है और आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ वेब यूआई के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ऑन है, बाकी मैंने ऑफ कर रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आके जो सिक्योरिटी वगैरह को अपडेट कर रखा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे भी मेरा अपडेट होया हुआ है। जबकि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है सिवाय एक स्टेप के, वो है यहाँ पे हमारा जो प्ले स्टोर का, बस इसे मैंने ऑन किया है और इसे काम किया है, और उसके बाद मेरा यहाँ पे तीनों का तीनों है जो पास हो गया है। जबकि मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रखा है, सब कुछ आपको देखने को मिलता है सिंपल सा ही। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए जिसकी हेल्प से आप अपने तीनों को पास कर सकते हो। सम टाइम आपका नॉर्मली वन टाइम ही काम कर जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सम टाइम आपको जो एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कि ट्रिकी स्टोर का है, या फिर सम टाइम आपको यहाँ पे इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये स्टेप फॉलो करके आप अपने डिवाइस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, और इसके बाद आपका जो प्ले स्टोर है ना वो भी आपका सर्टिफाइड शो करेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बूट लोडर जो लॉक का स्कोप है वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिस वजह से आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और जो मैंने पहले 3 वीडियो दिए थे वो शायद आज के टाइम में अब काम नहीं करेंगे क्योंकि गूगल ने फिर से अपना कांड कर दिया है। तो हमने भी अपना कांड कर दिया जिससे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। गूगल भले ही कितना कुछ क्यों ना हाथ पैर मार ले, हम लोग बाज नहीं आने वाले, हम इसे हमेशा फिक्स करते ही रहेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि जब भी कोई ऐसा अपडेट आता है मैं आपको दे दूँ ऑन टाइम, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस 3 ही मॉड्यूल डाले थे क्योंकि ये मैजिक्स यूज कर रहा था, लेकिन जैसे आप कर्नल एसयू या कर्नल एसयू नेक्स्ट यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 4 मॉड्यूल डालने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो हमारा ट्रिकी स्टोर का एड ऑन मॉड्यूल है ये सिर्फ के एसयू या के एसयू नेक्स्ट पे ही अप्लाई होगा, मैजिक्स पे काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाया था। और अभी जस्ट मैंने ऑक्सीजन ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट डाला है इस डिवाइस के अंदर जिसका ये फेल था, तो इसे अभी जस्ट मैंने पास किया है, इसलिए मैं आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अगर आप केस यूज करते हो तो। तो ये मेरा फेल था, ये भी फेल था, मैंने पास किया तो 2 पास हुए, लेकिन जैसे कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया ना कई तरीके से, उस तरीके से करते हुए मैंने यहाँ पे तीनों को पास कर लिया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं आएगा, बस जब आप KSU या KSU नेक्स्ट यूज करोगे तो ये सारे मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये 1-2 फाइल है, इसे इग्नोर कर देना, 1-2-3-4, ये टोटल 4 मॉड्यूल को आप डाल लेना, उसके बाद आपका काम बन जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है, बाकी प्रोसेस आप फॉलो कर लेना, यहाँ से भी ये ओपन हो जाता है और यहाँ का भी प्रोसेस आप फॉलो कर लेना, उसके बाद आपका काम बन जाएगा और जो स्पूफ वाले फीचर्स है वो भी आपको यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि KSU में कैसे करना है और मैजिक्स में कैसे करना है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया।